उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गर्भवती बकरी की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। अगर आप गर्भावस्था के दौरान अपनी बकरी की अच्छी देखभाल करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। सफल बकरी पालन के लिए यह बहुत ही बड़ा काम है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है सीजी गुड फार्मिंग में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं दोस्तों कि बकरी को गाभिन कराने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला, बकरियों की गर्मी एवं गर्भाधान के समय और तारीख को लिख कर रखना चाहिए। दूसरा, गाभिन कराने से पहले मिनरल मिक्सचर युक्त दाने की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। गाभिन कराते समय यह खास ख्याल रखना चाहिए कि बकरियां बीमार न हों। चौथा, FMD PPR जैसे टीकाकरण बकरी को गाभिन कराने से पहले ही करवा लेने चाहिए। पांचवा, बकरियों की डिवॉर्मिंग भी मतलब जंतुनाशक का उपयोग बकरियों को गाभिन कराने से पहले कर लेना चाहिए। बकरियों की ब्रीड के अनुसार कम वजन वाली या उम्र में छोटी बकरियों को गाभिन नहीं कराना चाहिए। अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक में, गाभिन बकरियों की देखभाल कैसे की जाए। इसमें सबसे पहले जब बकरियां 3 माह की गाभिन हो जाए तब अन्य बकरे व खाली बकरियों से गाभिन बकरियों को अलग रखना चाहिए। खाली बकरियों से मतलब है कि जो बकरी अभी गाभिन नहीं है। दूसरा, बाहर चारागाह में रहने का समय धीरे धीरे कम करके 2-3 घंटे कर देना चाहिए। वह बच्चा देने के 1 सप्ताह पहले चराने के लिए बाहर भेजना बंद कर देना चाहिए। तीसरा, बकरियों को हमेशा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहिए। पांचवा है दवा के उपयोग के बारे में। अगर आपकी बकरी गर्भावस्था के दौरान बीमार होती है, जैसे साधारण सर्दी जुकाम भी हो या दस्त हो, तो दवा का उपयोग आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह पर ही करें, अन्यथा यह काम बकरी की गर्भावस्था को खतरे में डाल सकता है। इसमें छठवां है अच्छा दाना व चारा। बकरियों को गर्भावस्था के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाला मिनरल मिक्सचर युक्त फीड देना चाहिए। वह उत्तम प्रकार की हरी घास देना चाहिए। अन्य दिनों की तुलना में गर्भकाल के समय दाने की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बकरियों के पेट में बकरी के बच्चे का आकार बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसकी थैली का, जो खाने की थैली है, उसका आकार कम होता है। इसके वजह से बकरियां एक बार में ही ज़्यादा दाना या चारा नहीं खा पाती है। इसमें उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, अतः उन्हें ऐसा खाना या चारा दाना देना चाहिए जो मिनरल मिक्सचर से युक्त हो, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन व खनिज लवण हो। सातवां, प्रतिदिन अपनी बकरियों की मॉनिटरिंग करना होता है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इसका इलाज तुरंत होना चाहिए। अगर ज़्यादा समय तक बकरी बीमार रहेगी तब बकरी स्ट्रेस में आकर अपना बच्चा गिरा सकती है। आठवां है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में ईटी की बात करते हैं, इसे इंट्रोटॉक्सीमिया कहते हैं या इसे ओवर ईटिंग डिजीज भी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया सभी बकरों व बकरियों में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब दाने की मात्रा बढ़ाई जाती है तब यह बैक्टीरिया बकरियों के लिए हानिकारक जहर का निर्माण करता है। इसके कारण कई बार बकरियों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर ईटी का टीकाकरण गर्भवती बकरियों को 4th माह में लगा दिया जाए तब ऐसा माना गया है कि यह टीकाकरण का गुण पैदा होने वाले बच्चे में भी आ जाता है, जिससे कि अगर पैदा होने के बाद वह अधिक दूध भी पी लेता है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नौवां है टीटी। आजकल हमारे गोट फॉर्म में ज़्यादातर लोहे का उपयोग होता है, जैसे पार्टीशन करने के लिए या फीडर में जिसमें दाना देते हैं। अगर इस लोहे से बच्चों को या बड़ी बकरियों को भी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो टिटनस बैक्टीरिया घाव को संक्रमित कर देता है। नवजात बच्चों में इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। यह रोग होने पर नए जन्मे बच्चों का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अगर गर्भकाल में यह बकरी को लगा दिया जाए तब होने वाले बच्चे भी इससे सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, गाभिन बकरियों की देखभाल। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहते हो। धन्यवाद।